घर के बाकी कामों में बिजी होने की वजह से कुछ काम इमरजेंसी में या फिर जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से वही काम किए जाएँ ना तो वक्त ज़्यादा लग जाता है। इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव हैक्स अगर फॉलो कर लिए जाएँ तो वही काम कम टाइम में और जल्दी और अच्छे भी हो जाते हैं। आज मैं किचन में होने वाले कुछ ऐसे कामों के हैक्स शो कर रही हूँ जिन्हें मैं तो अपना कर अपना टाइम भी बचाती हूँ और ज़ेहनी कोफ्त। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया एटीएफ विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह मेरी बेटी ने प्रोटीन शेक में और मैंने वर्कआउट से पहले हैंडफुल ऑफ नट्स लेने होते हैं, तो उसके लिए मैं समटाइम्स रात को बादाम भिगोना भूल जाती हूँ, तो इतनी कोफ्त होती है कि फ़ौरन क्या किया जाए। तो उसके लिए फिर मैं आपसे जो मैं करती हूँ वो टिप शेयर कर रही हूँ। तो ये टिप नंबर वन है, ऐसा करें जब तक बच्चे जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं ना, थोड़ा सा पानी आप पैन में ले लें और उसको बॉईल करने के लिए रख दें, और उसमें जितने भी आपको बादाम एट अ टाइम चाहिए उनको आप उसमें डाल के जस्ट दो तीन आप बॉईल उनको दे दें, और उसके बाद उस पानी को ठंडा होने के लिए रख दें। हल्का सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद स्ट्रेन कर लें, और अब आप अगर हाथ से भी पकड़ लेंगे ना ये नट्स को, ज़रा सा भी आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस तरह से, तो आप देखें कि फ़ौरन से पहले ना बादाम का छिलका उतर के वो गया। और इसी तरह से जस्ट इन वन मिनट सारे बादाम के छिलके, जितना आपको हैंडफुल चाहिए या थोड़े ज़्यादा, तो फौरी तौर पर आपके जो बादाम के छिलके हैं वो बिना किसी एफर्ट लगाए और आराम से उतर जाएंगे। तो ये मेरा काम हो गया डन, और फ़ौरन से पहले मेरा ये काम हो गया, और मैंने प्रोटीन शेक भी बना लेना और या फिर अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो कर लूँ। तो इसी तरह टिप नंबर टू मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जब हमें अंडे यूज़ कर रहे होते हैं, खासकर गर्मियों में ये होता है कि हमें एट अ टाइम पता नहीं चल रहा होता कि कौन सा सही है और कौन सा इसमें से ख़राब है, तो हम क्या करें इसको अब तोड़ के तो चेक करने से रहे, तो पानी का एक ग्लास ले लेती हूँ मैं, हाफ़ ग्लास लेकर उसके अंदर डिप कर लेती हूँ अंडे को। तो जब अंडा अगर उसमें सिंक हो गया ना, मतलब कि डूब गया है, नीचे बैठ गया तय में, दैट मीन्स कि ये अंडा बिल्कुल सही है। अगर ये ऊपर फ्लोट करना शुरू कर दे तो अंडा ख़राब है। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर थ्री की तरफ। उसमें भी यही है कि एक काम हमारा किचन का जो सबसे मुश्किल लगता है ना, वो यार ये लहसुन होता है छीलना। इसका पहले भी मैं आपसे हैक शेयर कर सकी हूँ कि ये सिंपल आप पानी बॉईल करके उसके अंदर रख दें और उसके बाद उनको छील लें, वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो वो आइडिया बेस्ट है। बट अगर आपको एमरजेंसी चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, इनको मैं आपको बताती हूँ, दो तरीके आपको बताऊँगी, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। पहले तो आपके घर में अगर कोई चॉपर है, इलेक्ट्रिकल चॉपर है, हैंडी चॉपर है, मैकेनिकल चॉपर है, तो वो इस्तेमाल में आएगा। लेकिन उससे भी पहले अगर थोड़ा सा आपको चाहिए ना, तो चले मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, कटिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से लहसुन की क्लोव को रख लेना और उसके ऊपर इस तरह पोटैटो मैशर से हल्का सा प्रेस करना है आपने, और ये देखें ज़रा छिलका आराम से रिमूव हो जाएगा। ये आइडिया तब बेस्ट है जब आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में एक खाने के लिए चाहिए। तो इसी से रिलेटेड टिप नंबर फोर है कि अब मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास मैकेनिकल चॉपर है ना ये, तो आप उसमें जितने भी आपको एट अ टाइम चाहिए रखें और इस तरह से उसको मैकेनिकली बीट कर लें थोड़ी देर के लिए। बस दो तीन चक्कर आपने लगाने हैं और उसके बाद हमारे जो छिलके हैं ना वो ऑटोमेटिकली, आप देखना आगे चलकर, ये देखें ज़रा छिलके बिल्कुल अलग हो चुके हैं और क्लोज बिल्कुल अलग हो गए हैं। अब आपने इसको क्या करना है, इसको पानी में डिप कर देना है। तो क्या होगा कि जो हमारे छिलके होंगे लाइट वेट होने की वजह से बिल्कुल ऊपर रह जाएंगे और हमारे जो छिले हुए लहसुन होंगे वो नीचे रह जाएंगे। तो ऊपर से आराम से आप छिलके जो है वो रिमूव कर लें, और उसके बाद ज़्यादा आप अगर चाहते हैं तो आप उसको स्टेन कर लें, तो हमारे जो लहसुन जो हमें फौरी तौर पर चाहिए वो हमें मिल जाएगा बग़ैर हाथ ख़राब किए, बग़ैर कोई कोफ्त को उठाए, और कि इस तरह के काम इतने आसान हो जाते हैं कि आपकी सोच होगी। तो ये देखें ज़रा फौरी तौर पर मेरे लहसुन छीले गए। अब अगर आपके पास ये हैंडी छोटा सा चॉपर है ना, तो आप उसको भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, लाइक एक खाने के लिए आप उसमें थोड़े से डालें और उसकी डोरी को इस तरह से मैकेनिकली आप उसको वर्क करवाएं थोड़ा सा, दो तीन टाइम ना आप इसको इस तरह से ये डोरी खींचने वाला प्रोसेस कर लें, और उसके बाद अब आप देखें तो आप देखेंगे कि इसी तरह से ना ये रिमूव हो गए हैं। अब आप तीसरा जो है, अगर आप बिजली खर्च करना चाहते हैं, वैसे तो बिजली बचाने वाले हैक्स मैं दो आपसे मैकेनिकल वाले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकली भी इसको इस तरह से चलाते हैं ना थोड़ी देर के लिए, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, तो इस तरह से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन यह कि इसमें बिजली खर्च हो जाएगी, काम हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा, तो वही काम करेगा जो वो मैकेनिकल चॉपर्स कर रहे हैं। तो इसी तरह से अब ये देखें, हैंडी चॉपर से भी और इलेक्ट्रिकल चॉपर दोनों से काम एक जैसा हुआ है। तो इस तरह से अब मैंने इसको पानी में डिप करके स्टेन कर लिया, और ये मुझे मेरे लहसुन जो है वो ईजीली आराम से बग़ैर कोई एफर्ट किए मुझे छीले छिलाए मिल गए, तो मुझे कोई इतनी एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी और मेरा काम आराम से डन हो गया।
तो है ना, ज़बरदस्त आइडिया। टिप नंबर 5 है आगे, सुबह बच्चे जब जाते हैं ना तो समटाइम्स मैं तो भूल जाती हूँ रात को इनकी बॉटल्स पानी की फ्रिज में रखना कि ठंडी हो जाएं, तो क्या होता है सुबह इमरजेंसी में फटाफट उनको बताए बगैर उनका नाश्ता बनाते बनाते ना इसको बॉटल को मैं पकड़ती हूँ और जाके मैं ना उसको सबसे पहले तो एल्युमिनियम फॉइल लेती हूँ, इस तरह से इसको रैप करती हूँ। तो उसके बाद मैं इसको अच्छे से रैप करने के बाद अब क्या करूँगी, जाके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, फ्रीज़र में 5-10 मिनट के लिए, जब तक बच्चों ने तैयार होना है, मैंने उनका लंच बनाना है। तो क्या होता है कि ये बॉटल आराम से ठंडी हो जाती है, जो सारी रात फ्रिज में रहनी थी और मैं भूल चुकी थी किसी वजह से, मैं किसी काम में बिज़ी हो गई थी। तो उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए जितनी देर उनका ब्रेकफास्ट रेडी हुआ, लंच रेडी हुआ, तो मैंने आराम से क्या किया, फ्रीज़र में से आराम से ये बॉटल निकाली और किसी को पता भी नहीं चला और बॉटल हो गई ठंडी। ये मैं आपको दिखाती हूँ इसका रैपर खोल के, आप देखना कि उसके ऊपर उसी तरह से ही ना जो पानी के कतरे हैं जैसे ठंडी होती है बॉटल। अब ये ट्रांसपेरेंट थी, मैंने कहा आपने पता नहीं मेरी बात पे यकीन करना है या नहीं, अब आप इसको क्लोजली देखें तो इसके ऊपर ये देखें ठंडक से आपको पता चलेगा कि ये बॉटल वाकई ठंडी हुई है। तो मैं झूठ नहीं कह रही, बहुत ज़बरदस्त हैक है, ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। तो टिप नंबर 6 है, इसी तरह से जब हमने ना एल्युमिनियम फॉइल का ही आपको मैं एक हैक बताती हूँ कि मुझे जल्दी से अगर जाग लगानी हो और दही बनाना हो तो क्या मैं करती हूँ कि इस तरह से जाग लगा के अच्छे से और उसके अंदर लूक वार्म जो है वो जितना भी दूध मैंने उसको जाग लगानी होती है और मिट्टी के बर्तन में रख के, तो उसके बाद क्या करती हूँ कि इसी एल्युमिनियम फॉइल का एक पीस ले लेती हूँ और इसको मैं कवर कर देती हूँ। ये बिल्कुल कहीं से भी ना, इसकी फर्मेंटेशन बहुत ज़बरदस्त होती है, कहीं से वेस्ट नहीं होती, तो ये एल्युमिनियम फॉइल बहुत ज़बरदस्त आइडिया, आप ज़रूर इसको फॉलो करना। तो जल्दी भी बन जाता है और बहुत अच्छा दही बनता है। अब थोड़ी देर बाद जब मैंने इसको निकाला ना, 2 घंटे बाद, अब आप देखें कि इस एल्युमिनियम फॉइल की वजह से, मिट्टी के बर्तन की वजह से और लूक वार्म मिल्क होने की वजह से कितना ज़बरदस्त हमारा दही बनकर रेडी हुआ है। तो ये 2-3 हैक्स हैं जो मैंने साथ आपको एक ही साथ में एक ही टिप में बता दिए हैं कि आपको अगर दही जमाना हो तो इस तरह से आप इस रूटीन को फॉलो करें। तो नेक्स्ट टिप नंबर 7 है, सबसे ज़्यादा कोफ्त वाली घर में चीज़, कि जब ये कुर्सियाँ होती हैं ना एट टाइम्स, जब हम इनको घसीटते हैं बैठने के लिए या किसी तरह, या बच्चे भी शरारत कर रहे होते हैं तो बड़ी गंदी सी आवाज़ आती है, इतनी कोफ्त होती है ना, उसके लिए क्या है, यही एल्युमिनियम फॉइल का ही हैक है कि 3-4 इस तरह के मैं छोटे छोटे स्क्वायर शेप में पीसेस काट लूँगी और इन पीसेस को लेकर फिर इनके जो लेग्स होंगी ना उसके पायों के ऊपर मैं इस तरह से फिक्स कर दूँगी। तो फिक्स करने के बाद ये होगा कि जब बच्चे ड्रैग करेंगे या वैसे हम अगर इनको खींचेंगे, एक तो हमारे फ़र्श के ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, गंदी सी आवाज़ नहीं आएगी और जो है हमारा फ़र्श भी नीट एंड क्लीन रहेगा। तो ज़बरदस्त आइडिया हो गया, आई होप आपको ये सारे हैक्स पसंद आए होंगे, स्पेशली ये एल्युमिनियम वाले सारे हैक्स। तो आज का ये मेरा कंटेंट था, नए लोग जो आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सकें। कमेंट ज़रूर किया करें यार, बताया करें कि आपको मेरे हैक्स कैसे लगते हैं। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।